एपिसोड 59, लव और हेट। आरंग के कंधे पर सर रखकर अनन्या को पता नहीं कब नींद आ गई। नींद में अभी उसे आरंग की कुछ देर पहले कही हुई बातें सुनाई पड़ रही थी और वो नींद में ही हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी, मगर इस मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों के कोने आंसुओं से गीले भी हो रहे थे। आरंग चुपचाप अपनी एक हथेली उठाकर अनन्या के गाल पर रख देता है और उसकी हथेलियों को महसूस करते ही सोती हुई अनन्या अपना हाथ उठाकर अपनी हथेली आरंग की हथेली पर रख देती है और दोनों हथेलियां एक दूसरे को कुछ इस तरह से जकड़ लेती हैं कि ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी उंगलियां किसकी हैं। अचानक गाड़ी का ब्रेक लगने से अनन्या की नींद खुलती है। क्या हम घर आ गए हैं? अनन्या आंख मलते हुए आरंग की तरफ देखते हुए पूछती है। नहीं, इस समय हम बद्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के पार्किंग एरिया में हैं। मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो आरंग? अनन्या आरंग की हथेली से अपनी हथेलियां छुड़ाते हुए पूछती है। आ जाओ, आज तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। आरंग गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए अनन्या को दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरने का इशारा करता है। अनन्या चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर कर आरंग के पीछे पीछे चल पड़ती है। ये बिल्डिंग एक्चुअली में बद्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर्स थी, जहां पर उनका इंटरनेशनल बिजनेस चलता रहता था, इसलिए यहाँ पर नाइट शिफ्ट्स में काम करने वाले स्टाफ भी उतने ही थे जितना मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने वाले। आरंग जैसे ही मेन डोर की तरफ पहुंचता है, वो दरवाजा अपने आप स्लाइड करके खुल जाता है। आरंग के पीछे पीछे आती हुई अनन्या बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए अंदर एंटर करती है। ये हेड ऑफिस का रिसेप्शन एरिया था, जहाँ पर लोग इधर से उधर अपने अपने ऑफिस की तरफ आ जा रहे थे। आरंग बत्रा को इस समय ऑफिस में दाखिल होता देखकर स्टाफ उसे सर झुकाकर वेलकम करते हुए कहता है, वेलकम सर, हाउ आर यू? हमेशा की तरह आरंग का एटीट्यूड अपने स्टाफ की तरफ बेहद ही रूड था। वो स्टाफ की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और उन्हें अवॉइड करता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। लिफ्ट का बटन दबाकर आरंग अंदर दाखिल हो जाता है। अनन्या जो अभी भी साड़ी पहने हुई थी, आरंग की तेज रफ्तार को मैच करते हुए जल्दी चलने की कोशिश करते हुए एलिवेटर के पास पहुंच जाती है। उसे इंडियन आउटफिट में देखकर ऑफिस के लोग शॉक्ड रह जाते, क्योंकि बत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में वेस्टर्न फॉर्मल्स के अलावा कुछ भी पहन कर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। उन्हें लगता है कि ये कोई नई लड़की है जो आरंग बत्रा के पीछे पीछे जॉब मांगने चली आई है। मगर बहुत ही जल्दी ये आरंग बत्रा से डांट खाकर यहाँ से बाहर निकाली जाने वाली है, क्योंकि आरंग बत्रा को साड़ी पहनने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो, आरंग अनन्या को बाजू पकड़कर उसके एलिवेटर के अंदर खींच लेता है और बुरी तरह से हांफती हुई अनन्या से कहता है, मुझसे डर के दूर रहने की इतनी भी जरूरत नहीं है, आखिर कब तक तुम मुझसे डरती रहोगी? अनन्या आरंग की बात सुनकर एक सेकंड के लिए खामोश हो जाती और आरंग को देखने लगती है कि क्या ये वही आरंग है जो कुछ देर पहले उससे इतनी अलग तरह से बिहेव कर रहा था। इस तरह से क्यों देख रही हो अनन्या? या तुम्हें मेरे साथ दिखाई देना बुरा लग रहा है? अगर ऐसा है तो प्लीज तुम वापस जा सकती हो, मैं तुमसे किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। आरंग लिफ्ट में स्टॉप के बटन पर उंगली रखते हुए अनन्या से कहता, आरंग ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस इतनी हील्स पहनने की आदत नहीं है और इस समय मेरे पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। ना चाहते हुए भी अनन्या के होठों से सच्चाई निकल ही जाती है, क्योंकि अब उससे ये हील्स पहनकर चलना बर्दाश्त नहीं हो रहा और डर जाता है और उनके मुंह से एक आह निकल जाती है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों का क्रश आरंग बत्रा था। उन्हें इस समय अनन्या को आरंग की बाहों में देखकर उससे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। स्टाफ आपस में बात करते हुए गेस करने लगता है कि क्या ये वही लड़की है जिससे कुछ दिन पहले आरंग बत्रा ने शादी की थी। आरंग हर एक्शन रिएक्शन को अवॉइड करते हुए अपने ऑफिस में जाकर अनन्या को धीमे से सोफे पर बिठा देता है और उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाता है। ये सब करने के बाद अपनी चेयर पर बैठते हुए आरंग इंटरकॉम उठाकर दो नंबर का बटन दबाता है। मुझे अपने ऑफिस में तुरंत एक लेडीज आउटफिट और 7 नंबर की शूज चाहिए, और ध्यान रहे शूज में बिल्कुल भी हील्स नहीं होनी चाहिए। सोफे पर बैठी अनन्या ये तो नहीं समझ पाती कि आरंग किससे बात कर रहा, मगर उसे इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि आरंग अभी अभी उसके बारे में ही बात कर रहा था। उसके पूरे बदन ये सोचकर कांप जाता है कि अभी कुछ देर पहले इस इंसान ने ना सिर्फ उसकी हील उतारने में मदद की थी,
बल्कि उसे नंगे पांव चलने की परेशानी से बचाते हुए अपनी गोद में उठाकर ऑफिस तक लाया था और अब उसके लिए कपड़े और जूतों का इंतजाम भी कर रहा था। अनन्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आज से पहले जिस आरम से वो मिलती आई है वो आरम सच्चाई थी या फिर उसके सामने बैठा हुआ ये आरम सच्चाई है। अब इस तरह मुझे घूरती ही रहोगी या मुझे बताओगी कि तुम क्या पीना चाहती हो, आरम मुस्कुराते हुए अनन्या को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए पूछता है। कुछ भी चलेगा। अनन्या के दिल और दिमाग दोनों की ही वाट लग चुकी थी और ये सब इस आरम बत्रा के कारण हो रहा था। अनन्या अभी भी आरम बत्रा को तलाक देना चाहती थी इसके इस प्यार भरे कैरिंग बर्ताव के बाद भी, क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि आरंभ ने एक झटके में उसकी जिंदगी तहस नहस करके रख दी थी। आरंभ अपने असिस्टेंट को दो नींबू पानी लाने के लिए कहता है और चुपचाप बैठकर अनन्या के चेहरे पर आते जाते इमोशंस को समझने की कोशिश करने लगता है और अपनी सिगरेट जला लेता है। अनन्या चुपचाप अपने नींबू पानी का घूंट भरते हुए आरंभ से पूछती है, आरंभ तुम क्या हमेशा इसी तरह औरतों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो या फिर कुछ और भी पैतरे आते हैं तुम्हें? अनन्या की बात सुनकर एक सेकंड को तो आरम के दिमाग का फ्यूज ऑफ हो जाता है, मगर फिर अपने आप को संभालते हुए आरम अनन्या से पूछता है, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? अनन्या हंसते हुए आरम से कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें लड़कियों को पटाने के मामले में महारत हासिल है, कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है तुमने? अनन्या के मुंह से ये बात सुनकर आरम को कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आता कि वो उसकी इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करे। ये लड़की सच में बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती, जो कुछ भी दिल में होता है वही इसके होठों पर भी होता है। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो अनन्या, और इसके अलावा तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? अनन्या की बात को मजाक में उड़ाते हुए आरंभ अनन्या से पूछता है। अनन्या आरंभ की इस बात पर मुस्कुराते हुए अपनी पलके झपकाते हुए आरंभ से कहती है, तुम्हें शायद पता नहीं है मगर तुम बहुत ज्यादा अकड़ू और ऐंठ हो और तुम्हारा दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। तुम्हें किसी छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, मगर एक बात माननी पड़ेगी कि जब तुम किसी का ध्यान रखने पर आते हो तो उसका दिल जीत लेते हो। मुझे लग रहा है अनन्या कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगी हो। तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, इतना बुरा कि लोग मुझसे नफरत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आरंभ मुस्कुराते हुए अनन्या को उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मगर ध्यान रहे अनन्या, अब तुम्हें अपने आप को इस बुरे आदमी के साथ जिंदगी भर रहने के लिए तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि आरंभ तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। अनन्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए आरंभ कहता है। अनन्या आरंभ को किसी तरह से भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, मगर साथ साथ ही उसे आरंभ के इस बदलते हुए बर्ताव से बेहद घबराहट हो रही थी। इससे पहले कि अनन्या आरंभ को रोक पाती, आरंभ उसके दोनों तरफ अपनी बाजुएं रखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। एपिसोड 60, गुड न्यूज। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि अनन्या समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि अनन्या जरा सा भी रिटेलिएट कर पाती, आरंभ उसे किस करने लग जाता है। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा जाती। कुछ देर पहले आरंभ ने जो ड्रिंक ली थी उसका हल्का हल्का स्वाद अब अनन्या के हलक तक आ जाता है। अनन्या को ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ ही देर में उसकी सांसें अब रुक ही जाएंगी। वो अपने दोनों हाथों से आरंभ की छाती पर धक्का देते हुए उसे अपने से दूर करने की कोशिश करती है। आरंभ प्लीज, थोड़ा सा दूर रह के ठीक से बात करो, ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझसे दूर होके बैठो। अनन्या किसी तरह से बुदबुदाते हुए आरंभ से कहती है। अनन्या की ये बात सुनकर आरंभ अपने होठ अनन्या के होठों से मुस्कुराते हुए हटाता है। क्यों, इतनी जल्दी थक गई? अनन्या की उखड़ी हुई सांसें और लाल हुए चेहरे को देखकर आरंभ को रियलाइज होता है कि इस लड़की का किसिंग एक्सपीरियंस सिर्फ आरंभ बत्रा तक ही सीमित है। आरंभ के स्टैमिना को अनन्या इस समय कहीं भी मैच नहीं कर पा रही थी। आरंभ को अपने से दूर करके अनन्या गहरी सांस लेते हुए कहती है, आरंभ प्लीज, अगर तुम ये बार बार ये सब इस तरह से करोगे तो मैं देखो सच में तुमसे नाराज हो जाऊंगी। क्या बात कर रही हो अनन्या, तुम सही में मुझसे नाराज हो जाओगी? चलो कोई बात नहीं। ये बोलते बोलते आरंभ एक बार फिर अनन्या को अपनी बाहों में जकड़कर एक गहरा किस करना शुरू कर देता है। कुछ देर में आरंभ अनन्या को छोड़ता है तो अनन्या बुरी तरह से हांफ रही होती है।
उसकी ये हालत देखकर हरम का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर पहुंच जाता, मगर साथ ही साथ उसकी हंसी भी छूट जाती। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती। हरम तुरंत नॉर्मल होते हुए बिना कुछ सोचे समझे अपनी जगह से जोर से कहता, अंदर आ जाओ। इस समय आरंभ के चेहरे पर किसी तरह के कोई भी इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे, मगर अनन्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर अभी अभी कोई तूफान आकर जा चुका हो। उसका साड़ी का पल्लू उसके कंधे से फिसलकर नीचे गिर चुका था। वो इस समय बहुत तेजी से सांसें ले रही थी। उसकी हालत को देखकर कोई भी समझ सकता था कि अभी अभी अनन्या के साथ कुछ तो हुआ है। उसकी आंखों का काजल फैलकर गालों पर आ गया था और उसके होठों की लिपस्टिक का रंग इस समय आरंभ के होठों पर था। अनन्या अपनी इस हालत पर शर्मिंदा होते हुए बिना सर उठाए बैठी रहती। ये कपड़े और शूज जो आपने मंगवाए थे, ऑफिस के अंदर आने वाली लड़की आरंभ से बेहद तमीज से कहते हुए कपड़े और शूज का पैकेट अनन्या के बगल में सोफे पर रख देती है। यू कैन लीव नाउ। आरंभ उसको कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहता। आरंभ की इस कठोर आवाज से डरते हुए वो लड़की धीरे से अपनी पलके उठाकर अनन्या की तरफ देखती है और तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। वो लड़की पिछले 15 सालों से बत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी, मगर उसने आज तक आरंभ बत्रा को किसी लड़की के साथ इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा था। या और समझाकर कहा जाए तो आरंभ बत्रा को किसी लड़की के साथ ही नहीं देखा गया था। ये बात सच है कि अनन्या बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती में क्या ऐसा कुछ था कि आरंभ बत्रा जैसा डैशिंग इंसान उसे इतना प्यार करने लगे। ये सब सोचकर वो लड़की मुस्कुराते हुए गॉसिप करने अपने कलीग्स के पास बैठ जाती। उधर कमरे का दरवाजा बंद होते ही अनन्या आरंभ से गुस्से और शर्मिंदगी से पूछती, आरंभ क्या तुम मुझे इंसानों की तरह किस नहीं कर सकते हो? नहीं, आरंभ मुस्कुराते हुए बिना अनन्या की तरफ देखते हुए कहता, तो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत हो अनन्या, प्लीज मेरी फीलिंग्स को एंजॉय करो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में तुम ये सब मिस करो पर तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आरंभ की बात सुनकर अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगता। आरंभ की बात पर विश्वास ना करते हुए अनन्या उससे पूछ ही लेती, आरंभ तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी इस बेवकूफी भरी बातों पर विश्वास कर लूंगी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ? तुम विश्वास करती हो या नहीं करती हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बोलते बोलते वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अनन्या को देखते हुए कहता, अगर तुम बोर हो रही हो तो अभी जा सकती हो। आरंभ अनन्या को इग्नोर करते हुए अपने आगे रखी फाइल के पन्ने पलटते हुए कहता। आरंभ की ये बात सुनकर कुछ सेकंड को तो अनन्या को कुछ भी समझ नहीं आता, फिर वो चुपचाप सोफे से उठकर ऑफिस के बाहर जाने के लिए खड़ी हो जाती। दो कदम चलते ही उसे रियलाइज होता है कि वो नंगे पांव है। अपने पांव को देखकर उसे ध्यान आता है कि किस तरह अभी कुछ देर पहले आरंभ ने लिफ्ट में खुद अपने हाथों से उसके लाख मना करने के बावजूद उसकी हील्स उसके पैरों से निकालकर फेंक दी थी और उसके दर्द करते हुए पैरों की मसाज की थी। ये सब सोचते सोचते उसकी नजर सोफे के नीचे रखे व्हाइट शूज पर पड़ती है। वो एक सेकंड को झुककर उसको पहनना चाहती है, मगर शर्मिंदगी से बहुत हिचकिचाते हुए आरंभ से पूछती है, क्या वो जूते मेरे लिए हैं? आरंभ सुनते हुए भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना कुछ काम करता रहता है। अनन्या को आरंभ की यह हरकत देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई कठपुतली हो जो कुछ देर पहले आरंभ को अपने पास आने के लिए मना कर रही थी और अब उसी के आगे जूतों के लिए गिड़गिड़ा रही है। अनन्या चुपचाप वो जूते पहनकर बिना आरंभ की तरफ नजर डाले दरवाजा खोलकर आरंभ के ऑफिस से बाहर तेजी से निकल जाती। अनन्या ने आरंभ के मंगवाए हुए कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि उसे ऑफिस में कपड़े बदलने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी। अपनी साड़ी के पल्लों से अपने आप को कवर करके वो ऑफिस के बाहर निकलकर तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती चली जाती है। आरंभ ऑफिस की खिड़की के ब्लाइंड हटाकर अनन्या को इस समय जाता हुआ देख रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस औरत के लिए उसने इतना कुछ किया वो इस तरह से उससे ये सब कहकर चली गई। क्या किसी औरत को अच्छी तरह से ट्रीट करना उसकी गलती थी? ये सोचते सोचते आरंभ अपने सामने रखी फाइल को बहुत गुस्से से बंद कर देता है और ड्रॉर से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाते हुए अपने लिए स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता है। लिफ्ट के अंदर एंटर करते हुए
अनन्या को इसी लिफ्ट में कुछ देर पहले हुए उसके और आरंभ के बीच की सारी बातें जैसे किसी मूवी की तरह याद आने लगती। वो अपने सर को झटकते हुए सोचती है कि उसे क्या हो रहा है, बार बार वो आरंभ के बारे में क्यों सोच रही है। जब जब आरंभ उसके साथ होने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि इसके पीछे आरंभ का कोई मतलब है। उसके बाद आरंभ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कह देता है जिससे अनन्या का दिल टूट जाता है। अनन्या प्लीज अपने आप को संभाल, तू डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि तुझे क्या चाहिए। अपने आप को आईने में देखते हुए अनन्या खुद से कहती है, रमेश ने शाम को बोला था कि वो बिना किसी मतलब के आरंभ से उसे डिवोर्स लेने में उसकी हेल्प करेगा, मगर वो अभी रमेश के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर सकती थी क्योंकि जितना वो रमेश को समझ पाई थी वो इंसान भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। अनन्या चुपचाप ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलकर सड़क पर खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगती है। कुछ देर में ही पास से निकलती हुई टैक्सी को रोकने का इशारा करके अनन्या अपनी दोस्त शनाया को फोन करती है। अरे बिल्कुल सही समय पर फोन किया अनन्या, मैं अभी अभी शूटिंग से घर वापस आई हूँ, तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो? दूसरी तरफ से शनाया की चहकती हुई आवाज आती है। शनाया की फोन पर बात सुनकर एक लंबी सांस लेते हुए अनन्या अपनी दोस्त से पूछती है, शनाया क्या मैं तेरे घर पर तेरे साथ बैठकर कुछ देर बात कर सकती हूँ? अनन्या इस समय सबसे दूर कहीं जाकर शांति से कुछ देर बैठना चाह रही थी। शावर से नहाकर निकली हुई शनाया डोरबेल सुनकर अनन्या के लिए थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने का इशारा करती है। जल्दी से अंदर आ जा, घर इस समय किसी भूत बंगले की तरह हो रहा है, पिछले कई दिनों से कंटिन्यूअसली शूटिंग पर थी, घर का ध्यान रखने का जरा भी समय नहीं मिला। अनन्या अपनी दोस्त की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कुर्सी पर पड़े हुए कुछ लिफाफों को उठाकर डस्टबिन में डालते हुए शनाया से कहती है, चलो कम से कम तुम्हारे पास जिंदगी में अब कोई गोल तो है, अब चाहे तुम्हें उसके लिए जितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े तुम उसके लिए तैयार हो, और मैं जानती हूँ कि तुम एक दिन अपनी मंजिल पाकर ही रहोगी। और मेरी तरफ देखो, मेरे पास तो मंजिल ही नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी जिंदगी कहाँ है और किस तरफ जा रही है। अनन्या को टेबल को क्लीन करता हुआ देखकर शनाया को अपनी पुरानी दोस्त की याद आ जाती है, जिसे कोई भी गलत जगह पर रखी चीज अच्छी नहीं लगती थी। वो अनन्या के पीछे खड़े होकर उसके गले में बाहें डालते हुए बड़े प्यार से कहती है, अनन्या मुझे तुझे एक गुड न्यूज देनी है। शनाया की बात सुनकर अनन्या अपने हाथों का सामान टेबल पर रखकर अपने दोनों हाथों से शनाया को अपने पीछे से खींचकर अपने सामने बिठाते हुए पूछते हैं, शनाया जल्दी बताना क्या गुड न्यूज दे रही है मेरी दोस्त मुझे? अनन्या मुझे ना लग रहा है कि मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। शनाया शर्माते हुए अनन्या से बहुत धीमी आवाज में कहती है। शनाया की बात सुनकर अनन्या को एक झटका सा लगता है, मगर फिर भी मजाक करते हुए वो शनाया से कहती है, कौन है वो? ये तो मुझे पता है कि तू हॉट लोगों में बहुत इंटरेस्टेड है, वो कोई ऐसा वैसा इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलेज डेज में तो तूने किसी को भी लाइन नहीं दी थी। अनन्या की बात सुनकर शनाया शर्मा जाती और अपनी पलके नीचे करके अनन्या से कहती है, अनन्या मेरे ख्याल से तुमने उसके बारे में सुना हुआ है, मैं रमेश बत्रा के बारे में बात कर रही हूँ। शनाया की बात सुनकर अनन्या जैसे पत्थर सी हो जाती, रमेश बत्रा? उसकी सहेली रमेश बत्रा से प्यार करने लगी है? अनन्या का सिर घूमने लगता और वो टेबल पर सर रख कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। एपिसोड 61, अफ्रेड ऑफ फॉलिंग इन लव। बिना इस बात को रियलाइज किए कि अनन्या पर उसकी अभी अभी कही बात का क्या असर पड़ा है, श्राया अपने आप में ही बस बोलती ही चली जा रही थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी साफ साफ झलक रही थी। अनन्या अपनी सहेली के इस खुशी के मौके को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस समय यही बेहतर समझा कि वो शनाया से रमेश के बारे में कोई भी बात ना करे। अनन्या सोचने लगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो, बिना सोचे समझे कुछ बोलकर शनाया का दिल तोड़ने का कोई भी फायदा नहीं। पता है अनन्या, जब मैंने ये रोल करना स्टार्ट किया कुछ ही दिनों बाद मेरी क्रू के बाकी लोगों से अच्छी जान पहचान हो गई। इसके बाद मैंने लोगों से पता करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ऑडिशन वाले दिन डायरेक्टर के पास रमेश के असिस्टेंट का फोन आया था। जब मुझे ये बात पता चल गई तो मैंने डायरेक्टर से जबरदस्ती ये बात कबूल करवा ली कि उस दिन रमेश के असिस्टेंट का जो मैसेज डायरेक्टर के पास आया था वो मेरे बारे में ही था।
रमेश चाहता था कि ये रोल मुझे ही मिले। श्रेया उस समय बगैर रुके सिर्फ बोलती ही चली जा रही थी। वो अपनी सबसे प्यारी सहेली के आगे अपना दिल खोल कर रख देना चाहती थी। आगे कहती है, तुम शायद ठीक कह रही हो श्रेया, तुम सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि किसी भी आदमी का दिल तुम्हारे ऊपर आ सकता है। हो सकता है रमेश के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। ये बात कहते समय अनन्या मन ही मन यही सोच रही थी, ईश्वर करे यही सच हो, इसके अलावा और कुछ भी ना हो। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्यारी सहेली, जो दिल की बेहद साफ है, उसे किसी तरह की ठोकर का सामना करना पड़े। श्रेया उठकर अनन्या को अपनी बाहों में भर लेती है। उसके गाल से अपना गाल रगड़ते हुए वो कहती है, अनन्या मैं सच में मान भी नहीं सकती कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। रमेश बत्रा 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक है और तुम्हारे पति आरम बत्रा का कजन है। दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और अनन्या मेरी दोस्त, रमेश मुझे दिल से चाहता है। हाँ शनाया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, रमेश और आरम भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहाँ तक मैंने सुना है दोनों की काफी कंपनियों में पार्टनरशिप है। अनन्या अपने दिल में उठते हुए सवालों को अपने चेहरे पर लाए बगैर शनाया से ये कहती है, अनन्या मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिंदगी में कभी सोसाइटी के अपर क्लास तक पहुंच भी पाऊंगी, मगर अब जो भी कुछ हो रहा है उसे देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। अनन्या प्लीज मुझे बताना, तुझे क्या लगता है रमेश मुझे कितने टाइम से प्यार करता होगा। श्रेया पागलों की तरह अनन्या से रमेश की बातें किए जा रही थी, उसकी खुशी उसे संभाले ही नहीं संभल रही थी। वही अनन्या अपनी प्यारी और भोली भाली सहेली की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, कुछ भी हो मैं अपनी प्यारी सहेली के लिए बहुत खुश हूँ, मगर मुझे रमेश की एक बात समझ नहीं आ रही। अभी पिछली शाम को तालाब के पास उसने जो बात मुझसे कही थी वो क्यों कही थी? क्या वो वाकई शनाया से प्यार करता है? रमेश ने मुझसे ये क्यों कहा कि अगर अनन्या कोई अपनाने को तैयार नहीं हो तो वो एक बार उसके पास जरूर आए? इन सब बातों को सोच सोच कर अनन्या का दिमाग इस समय फटने लगा था, मगर वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहती थी कि बगैर किसी चीज को पूरी तरह से समझे वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अपने और शनाया या फिर शनाया और रमेश के बीच क्रिएट करे। अनन्या चाहे कुछ भी हो इस बार तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरी खुशियों के लिए चाहे तुझे अपने कुछ उसूलों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े, तुझे मेरी बात माननी होगी। मैं तुझसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। श्रेया अभी भी अपने इस खूबसूरत सपने से बाहर नहीं आई थी। वो हाथ जोड़कर अपनी प्यारी सहेली से रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर अनन्या जैसे नंब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सहेली शनाया उससे किस तरह की मदद चाहती है। अनन्या तू और मैं दोस्त से ज्यादा बहनें हैं, इसलिए तू मुझे और मेरी खुशियों को मुझसे दूर होते नहीं देख सकती, है ना? ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देख रमेश आरम बत्रा का कजन है, अब तुझे मेरे लिए ये बात आगे बढ़ानी होगी। शनाया अपनी सारी उम्मीदें अनन्या के सामने बड़े दिल से रखते हुए कहती। शनाया की आंखों में झलकती खुशी को देखकर अनन्या कुछ भी ऐसा वैसा बोलकर अपनी सहेली का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। शनाया तो मेरी सबसे ज्यादा प्यारी सहेली है, मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। अगर तेरी और रमेश की किस्मत साथ साथ लिखी है तो मेरा साथ हमेशा तुम दोनों के साथ ही रहेगा। अनन्या हल्के से शनाया का गाल थपथपाते हुए अपनी प्यारी सहेली से कहती है, मुझे पता था अनन्या तू मुझे कभी मना नहीं करेगी। पता है रमेश से शादी हो जाने के बाद एक तरह से मैं तुम्हारी देवरानी बन जाऊंगी। इमेजिन करके देख हम कितनी मस्ती किया करेंगे। अपनी खुशी में पागल होते हुए शनाया एक बार फिर अनन्या को अपने गले से लगाते हुए कहती है, शनाया तू सच में इतनी खूबसूरत है कि तेरे ऊपर किसी भी आदमी का दिल आ सकता है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए बार बार मुझे थैंक्स करना बंद कर। अनन्या शनाया की इन बातों से परेशान होते हुए कहती, अनन्या जो यहाँ अपनी सहेली से बात करने आई थी कि वो आरम बत्रा से डिवोर्स लेना चाहती है, पर किस्मत ने उसे एक नई सिचुएशन में ही फंसा दिया था। अनन्या मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत तो हमेशा से हूँ, मगर आज सच में मुझे अपनी खूबसूरती के ऊपर नाज हो रहा है। श्रेया अभी भी अपने सपनों से बाहर नहीं निकली थी। वो अनन्या के आगे बैठते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है, अनन्या तुमने तो रमेश को देखा होगा, कैसा लगता है वो? सच बताना, हैंडसम है ना? अपनी सहेली के सर पर बड़े प्यार से चपत मारते हुए अनन्या उससे कहती है, अभी कल शाम को ये आरम के दादाजी की पार्टी थी, वहां पर मेरी मुलाकात तुम्हारे रमेश से हुई थी,
सच में वो बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है, इतना स्मार्ट कि किसी भी लड़की का दिल उसके ऊपर आ जाए। अनन्या की हथेली पर अपनी हथेलियां रखते हुए शनाया बोली, मैंने बहुत सारी मैगजीन्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी थी, मगर मुझे रमेश पत्रा का फोटो वहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा लो की रखता है। मैंने उसके बारे में कभी कोई स्कैंडल भी नहीं सुना, पर अनन्या तुम्हारा हैंडसम आरम तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल है। उसके बारे में मैगजीन और न्यूज़पेपर में रोज ही पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है। शनाया के मुंह से आरम के लिए अपना पति सुनकर अनन्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। वो चाहा कर भी इस बात को अवॉइड नहीं कर सकती थी कि आरम वाकई में उसका पति है और उसके साथ उसकी शादी हुई है। वो जितना अपने आप को ये बात मानने के लिए तैयार करती, उतना ही वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती। अनन्या के चेहरे पर आते जाते इमोशन से बेपरवाह शनाया अपनी ही धुन में बोलती ही चली जा रही थी, अनन्या मेरी ये फिल्म कंप्लीट होने में ज्यादा समय नहीं रह गया। एक बार फिल्म रिलीज हो जाए, मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊं, तब मैं खुद ही जाकर रमेश से मिलकर बात कर लूंगी। अनन्या अपनी इस दोस्त का पागलपन देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो सब ठीक है, मगर तुमने अच्छी तरह से पता कर लिया ना कि वो यही रमेश है, कहीं ऐसा ना हो बाद में हमारा मजाक बन जाए। शनाया अनन्या की बात सुनकर सिर हिलाकर जवाब देते हुए उससे कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, मेरी बात छोड़, अभी तो मुझे ये बता, तू बत्रा परिवार में खुश तो है ना? तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ा? सामने रखी कुकी के जार से एक कुकी निकालकर खाते हुए शनाया अनन्या से पूछती है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हल्के से मुस्कुराते हुए अनन्या शनाया की बात का जवाब देते हुए कहती है, अपने आप को शीशे में देख, शादी के बाद काफी वेट लॉस किया है तुमने, भत्रा फैमिली का खाना तुम्हारी पसंद का है या नहीं? अनन्या मुस्कुरा कर उसे जवाब देते हुए कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट भत्रा फैमिली में तो खाने की इतनी वैरायटीज बनती है कि ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या खाना है और क्या नहीं, वो तो बस मेरी अपनी दिमागी उलझनों के कारण। यार छोड़ना शनाया, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गई, आजकल तो दुबला होना फैशन में है। अपनी बात का रुख मोड़ते हुए अनन्या बात बदलते हुए कहती है, तभी शनाया बड़े प्यार से अनन्या से पूछती है, अनन्या आरम का बर्ताव तेरे प्रति ठीक तो है ना? शनाया के इस सवाल को सुनकर अनन्या को समझ नहीं आता कि वो अपनी दोस्त से इस सवाल का क्या जवाब दे। अपने होठों को चबाते हुए अनन्या शनाया से कहती है, आरम बुरा इंसान नहीं है शनाया, अगर पता नहीं ऐसी कौन सी दीवार है जो हम दोनों के बीच हमेशा रहती है, या फिर मैं ही शायद उसे समझ नहीं पा रही हूँ। अनन्या की दिमागी कश्मकश को समझते हुए शनाया उसे समझाते हुए कहती है, तब तो तुम्हें अपने आप को आरम के हिसाब से जल्द ही बदल लेना चाहिए। मैं अपने अनुभव से तुमसे ये बात कह रही हूँ, इस सौदे में फायदा तुम्हें ही होगा। अपनी दोस्त को दादी नानी की तरह बात करता देख अनन्या की हंसी छूट गई। वो मुस्कुराते हुए शनाया से कहने लगी, मुझे लगता है अगर मैं ज्यादा कोशिश करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आरम से प्यार ही हो जाए। एपिसोड 62, मिस्टर बत्रा इज बैक। अनन्या की बात सुनकर शनाया थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती। उसे लग रहा था कि अभी अभी उसने जो भी सुना वो सब जैसे एक बुरा सपना था। कमरे में फैली खामोशी को तोड़ते हुए शनाया अनन्या से कहती, तुम ऐसा क्यों कह रही हो अनन्या? आरम तुम्हारा पति है और पति के साथ प्यार होना तो एक बहुत ही नेचुरल बात है। शनाया की बात सुनकर अनन्या ठंडी सांस लेते हुए अपने चेहरे पर फैली उदासी को अपनी दोनों हथेलियों से छुपा लेती है। कुछ देर बाद हथेलियों से अपना चेहरा बाहर निकालकर वो शनाया से कहती है, शनाया मैं किस सिचुएशन से जूझ रही हूँ तुम शायद नहीं पता, हर खूबसूरत दिखने वाली चीज खूबसूरत नहीं होती। बिना कुछ आगे बोले शनाया अपनी सहेली अनन्या की हथेली पर हथेली रखकर उसे हल्के से दबाते हुए उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, शनाया तुम नहीं समझोगी, मैं उस पालतू जानवर की तरह हूँ जिसे मेरे नानू ने आरम बत्रा को तोहफे में दिया। तुम समझती हो ना पालतू का मतलब क्या होता है? जिस दिन मेरे मालिक को मुझसे काम नहीं रहा उस दिन मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैं उस दिन के आने से बहुत ज्यादा डरती हूँ, और तब तक अगर मैं आरम के प्यार में पड़ गई तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी, जहां ना मैं अपने इस रिश्ते को बचा पाऊंगी और ना ही अपने स्वाभिमान को।
ये कहते कहते अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। अनन्या ने आगे कुछ नहीं कहा। शनाया ने अनन्या को रुकने के लिए बहुत इंसिस्ट किया, पर उसके बाद भी अनन्या सुबह 5 बजे उसके घर से आरम बत्रा के घर के लिए निकल पड़ी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उससे पहले आरम अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर पहुंच जाए। वो जानती थी उसका इस तरह घर से बाहर रहना आरम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इस समय वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी जिसके कारण उसे बाद में पछताना पड़े। अब उसे रात के डिनर की तैयारी भी तो करनी थी। जैसे कि आरम ने उससे कहा था, अगर वो आरम को लेकर अपने नानू पीके आहूजा के डिनर पर नहीं जा पाई तो उसके नानू सच में उससे बेहद नाराज हो जाएंगे। टैक्सी में बैठने के बाद अनन्या अपने फोन की फोटो गैलरी में जाकर एक फोटो ओपन करती है। ये फोटो बहुत ही पुरानी और धुंधली सी थी। इस फोटो में एक बेहद खूबसूरत औरत हर सिंगार कर पेड़ के नीचे बैठी हुई फूलों से खेल रही थी। देखने में ये औरत बेहद सधी हुई और एलिगेंट लग रही थी। उस तस्वीर को देखते ही अनन्या की आंखें भर आईं। अचानक उसके मुंह से मां निकला, जो उसके लिए सिर्फ एक एहसास ही था। उसने अपने पैदा होने के बाद अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। जब वो पैदा हुई थी तब उसकी नानी जिंदा थी। जब तक वो रही तब तक आहूजा फैमिली में अनन्या और दामिनी का स्टेटस किसी राजा की परी से कम नहीं था। नानी के ये दुनिया छोड़ते ही जैसे सब कुछ बदल गया। अगर उसके नाना पीके आहूजा ने उसे अपने पास ना रखा होता तो शायद वो कब की अनाथ हो गई होती। इससे उसके नानू ने उसके साथ जो भी कुछ किया उसके बाद भी वो अपने नानू के लिए दिल में कुछ भी मलाल नहीं रखना चाहती थी। वो दिल से चाहती थी उसके नाना इस समय जहां फंस चुके हैं उससे जल्द से जल्द वो बाहर आ जाए। अब उनकी उम्र भी ऐसी नहीं रह गई थी जहां वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले सके। सच्चाई यही थी कि अनन्या दिल से यह चाहती थी कि पीके आहूजा को उसकी जगह वापस मिले। अनन्या के पास आरंभ को अपना पति मानने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर भी उसका दिल ये बात नहीं मान रहा था। वो बार बार तलाक के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी और कॉम्प्लिकेटेड कर रही थी। ये सब सोचते सोचते अनन्या अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहती है, 5 साल नानू ने मुझे 5 साल दिए हैं, इससे बेहतर यही होगा कि सब में आरम से उलझने और डिवोर्स के बारे में सोचने की बजाय मैं आरम के साथ जीना सीख लूं। अनन्या दरअसल बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ चुकी थी कि आरम के साथ ये 5 साल गुजारने के लिए उसे बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होगी। ये सारी बातें सोचते सोचते अनन्या जब घर तक पहुंची तब तक हल्की सी रोशनी आसमान में फैलना शुरू हो गई थी। वो कार से बाहर निकल कर देखती है तो लिविंग रूम की सारी लाइट्स चल रही थी। उसे पहले से डर था कि अगर आरंभ उससे पहले आ गया तो यही सोचेगा कि वो कहीं किसी और के साथ ऐश कर रही थी। ये सोचकर अनन्या अपने आप में घबरा गई। वो चुपचाप लिविंग रूम में एंटर कर रही थी, मगर उसी समय लिविंग रूम में एक अनजान आदमी को देखकर वो चौंक जाती है। मालकिन आप वापस आ गई, प्लीज अंदर जाकर बड़े सर से मिल लीजिए, वो काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। अनन्या उस आदमी से थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछती है, बड़े सर आप किसकी बात कर रहे हैं? वो आदमी हाथ जोड़कर अनन्या के आगे सिर झुकाकर कहता है, छोटी मालकिन, छोटे मालिक के पिताजी जयंत सर अपनी ट्रिप से वापस आ गए, वो अपने बेडरूम में ही है। उस आदमी की बात सुनकर अनन्या थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए तेज कदमों से ग्राउंड फ्लोर पर बने मास्टर बेडरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। जैसे ही वो बेडरूम के अंदर पहुंचती है उसे अकेला आते देखकर वहां जयंत बत्रा के पास बैठे रहीम चाचा थोड़ा सा परेशान हो जाते। इससे पहले कि वो अनन्या को वापस बाहर जाने का इशारा करते, अनन्या अपने सर के ऊपर पल्ला लेकर जयंत बत्रा के पैरों को हाथ लगाने के लिए नीचे झुकते हुए कहती है, चरण स्पर्श पापा, ये हमारी पहली मुलाकात है, मगर आरम बाप के बारे में बहुत बातें करते हैं। हालांकि इस समय अनन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर वो सिर्फ इतना जानती थी कि इस घर की बहू होने के नाते उसके कुछ कर्तव्य हैं जो उसे पूरे करने ही होंगे। इससे पहले कि अनन्या आगे कुछ कह पाती, जयंत बत्रा उसकी बात काटते हुए बेहद रूखी आवाज में अनन्या से कहते, तुम जो भी हो मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस बत्रा परिवार की बहू पहले से ही डिसाइडेड थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम शादी करके बत्रा परिवार किस तरह से आ गई हो। इसलिए लड़की
मुझे पापा कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आरम के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो आने के बाद मुझे सारी बातें समझाएगा। तब तक तुम जाकर बाहर इंतजार कर सकती हो। जयंत बत्रा के मुंह से इस तरह की कड़वी बातें सुनकर अनन्या की आंखें भर आती। वो चुपचाप अपनी नजरें नीचे करके कमरे से बाहर निकल जाती। वहां बैठे रहीम चाचा को इस समय अनन्या को इस सिचुएशन में देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो सोच रहे थे कि अब अनन्या या तो आरंभ के साथ वापस आएगी या फिर आरंभ अनन्या से पहले पहुंचकर सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, मगर यहाँ तो चीजें कुछ और ही रंग ले चुकी थी। अब आरंभ का इंतजार करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। बेडरूम के बाहर गैलरी में खड़े होकर अनन्या खिड़की के बाहर गेट की तरफ देखने लगी थी। देखने जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये लड़की कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मिसेस बत्रा बनने की? तुम ये सारी बातें मुझे तफसील से समझाओगे कि नहीं? जैन बत्रा इस समय इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उनका मुंह गुस्से से काला पड़ गया था। उनके मुंह से झाग सा निकल रहा था। वो अपनी बात को पूरी तरह से बोल भी नहीं पा रहे थे। रहीम की तरफ देखते हुए आरंभ बत्रा उससे बोले, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा मेरे पीछे इस तरह का षड्यंत्र कर सकता है। इसने मुझे और मेरी पत्नी को छुट्टियों के लिए बाहर भेज दिया। हमारे साथ इतना बड़ा गेम खेला इसने। हमारे पीछे ये एक आम लड़की को घर की मालकिन बनाकर ले आया। इस लड़की का तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। इसकी हैसियत और शक्ल सूरत इस घर की नौकरानी बनने की भी नहीं है। और इसने इसके सिर पर मिसेस बत्रा का ताज रख दिया है। इसने खुद को समझा क्या हुआ है? बत्रा फैमिली कोई मजाक है क्या, जिसमें जब जिसको चाहो लाकर पत्नी बनाकर खड़ा कर देगा? जैन बत्रा का ये गुस्सा देखकर अनन्या बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सच में आरंभ ने अपनी शादी के बारे में अपने पिताजी को कुछ भी नहीं बताया था? अगर ऐसा है तो आरंभ ने ऐसा क्यों किया? घबराहट में अनन्या की तेज चलती सांसों को महसूस करके आरंभ अनन्या की तरफ देखता है। अनन्या का चेहरा इस समय डर से पीला पड़ चुका था। वो किसी सूखे पत्ते की तरह मुरझाई हुई खड़ी थी। आरंभ अनन्या को अपने करीब खींचते हुए अपने पिता जयंत बत्रा से कहता है, डैड अभी मैं और मेरी बीवी बहुत थक चुके हैं। आपको तो पता ही होगा आज बड़े पापा के जन्मदिन की पार्टी थी। हम दोनों ऊपर अपने बेडरूम में जाकर थोड़ी देर सोना चाहते। बाकी बातें बेहतर है कि हम ब्रेकफास्ट टेबल पर ही करें। अनन्या आरंभ की ये बात सुनकर अच्छी तरह से समझ जाती है कि इस समय आरंभ उसे इस सिचुएशन से निकालने के लिए ये बहाना बना रहा है। वो चुपचाप आरंभ के बगल से सटी हुई उस रूम से बाहर निकल जाती है। इस समय अनन्या को आरंभ का अपने पास होना और इतने करीब होना एक अजीब सा सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सहारा मिल गया हो। एपिसोड 63, माफी। हालांकि इस समय अनन्या को आरंभ का अपने पास होना बहुत ही अच्छा लग रहा था, मगर उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसके कारण आरंभ अपने पापा की बात काट के कमरे से बाहर निकल आया था। अनन्या बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके कारण आरंभ और जयंत बत्रा के बीच में किसी तरह की कोई भी कड़वाहट पैदा हो। बेडरूम के लिए ऊपर जाते समय सीढ़ियों पर आरंभ को रोकते हुए अनन्या आरंभ से कहती है, आरंभ मुझे लगता है कि तुम्हें पापा से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। कुछ भी हो वो हमसे बड़े हैं और उन्हें हमें डांटने का पूरा अधिकार है। अनन्या की बात सुनकर थोड़ा सा इरिटेट होते हुए आरंभ उससे कहता है, अनन्या प्लीज ये मेरा पर्सनल मामला है, इस मामले में तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तुम इस सबसे जितना ज्यादा दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं अनन्या जिनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अनन्या को आरंभ की कही हुई बात हालांकि एक पल को तो बहुत बुरी लगी, मगर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए आरंभ से बहुत प्यार से कहती है, आरंभ कि मैं इस घर में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं आई। इस घर पर मेरा ऐसा कोई भी हक नहीं है जो एक नॉर्मल लड़की का अपनी ससुराल में होता है। मगर सच्चाई यही है कि जब तक मैं इस घर में हूँ इन रिश्तों की मर्यादाओं को निभाना मेरा फर्ज है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में किसी तरह की कोई भी कटुता है। प्लीज आरंभ एक बार मेरी बात मानकर डैडी से प्यार से बात कर लो। अनन्या की इस बात को सुनकर आरंभ अनन्या को ध्यान से देखते हुए मन ही मन सोचता है, इस मिट्टी की बनी हुई है ये लड़की, इतना सब सहने के बाद भी ये दूसरों की खुशियां ही ढूंढ रही है।
तभी आरव अनन्या से बोला, अनन्या गलती तो उनकी भी है ना, पहली बार अपनी बहू से मिलकर कोई इस तरह से बिहेव करता है। उन्हें जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ है, वो प्रॉब्लम मेरे साथ बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। पहली बार अनन्या आरंभ को हल्के से छूते हुए बहुत प्यार से कहती, आरंभ वो बड़े हैं, उन्हें हमसे नाराज होने का पूरा हक है, फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलती तुम्हारी भी है ना। प्लीज मैं बेडरूम में जा रही हूँ, तुम जाकर पापा से बात कर लो। अनन्या की बात सुनकर मुस्कुराते हुए आरंभ उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, ठीक है अनन्या, तुम बेडरूम में चलो, मैं कुछ देर में पापा से बात करके आता हूँ। आई रियली होप ही इज रेडी टू टॉक टू मी। अनन्या के ऊपर बेडरूम की तरफ जाने का इशारा करते हुए आरंभ सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। रहीम चाचा को आवाज लगा कर कहता है, रहीम चाचा पापा को कहिए कि मैं लिविंग रूम में उनका इंतजार कर रहा हूँ और उनकी फेवरेट व्हाइट टी बनवा रहा हूँ। बेडरूम में कपड़े बदलने के बाद अनन्या पलंग पर लेट जाती है, पर उसका दिमाग नीचे आरंभ और जयंत में फंसा हुआ था। अनन्या आंखें बंद करके रजाई को सिर तक ओढ़कर सोने की बहुत कोशिश करती है, अगर बेचैनी से करवट बदलने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाती। अनन्या तो इस बात से इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही है कि नीचे आरंभ और उसके पापा के बीच में क्या बातें हो रही होंगी। उन दोनों बाप बेटे के बीच का मामला है, इसमें तुम कहीं से भी नहीं आती। वैसे भी आरंभ ने तुझसे जबरदस्ती शादी की है। अब ये आरंभ बत्रा की प्रॉब्लम है कि वो अपनी इस हरकत को अपने फादर जयंत बत्रा को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, और हो सकता है उसके पापा उसे तलाक लेने के लिए मजबूर कर दे। उस कंडीशन में तो सब कुछ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अनन्या अपने आप को समझाते हुए खुद से कहती है। अपने आप को इतना समझाने के बाद भी अनन्या यही सोचकर परेशान रहती है कि आरंभ और उसके पापा में सब कुछ ठीक ठाक ही रहे। अनन्या को इस समय बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो फिजूल में इतना परेशान क्यों हो रही है, और हो सकता है कि इस सब में उसका कुछ फायदा ही होने वाला हो। अपने ख्यालों से परेशान होकर अनन्या उठकर कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। वो खिड़की के पास खड़े होकर बाहर लॉन की तरफ देखने लगती है। नीचे लिविंग रूम की रोशनी बाहर लॉन में आ रही थी। लिविंग रूम में जयंत बत्रा और आरंभ बत्रा को व्हाइट टी का कप पकड़ाते हुए रहीम चाचा लिविंग रूम से बाहर निकल जाते हैं। आरंभ, क्या तुम्हारी नजरों में मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूँ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा मानते हो। लिविंग रूम की खामोशी तोड़ते हुए जयंत बत्रा अपनी चाय का सिप लेते हुए आरंभ से पूछते हैं। आरंभ अपने पापा की बात को अनसुना कर देता है। वो चुपचाप अपनी चाय के घूंट भरता रहता है। आरंभ को इस तरह खामोश देखकर जयंत बत्रा थोड़ा सा अपसेट होते हुए आरंभ से दोबारा कहते, आरंभ मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, क्या तुम्हारी नजरों में मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूँ, या फिर तुम इस बात को पूरी तरह से भूल चुके हो? जयंत बत्रा इस समय आरंभ की इस हरकत से बहुत ज्यादा अपसेट और हार्ट ब्रोकन हो रहे थे। उनके पीछे आरंभ ने इस तरह से शादी कर ली थी। वही आरंभ साइड टेबल पर रखे हुए लाइटर को उठाकर अपने होठों में दबी हुई सिगरेट को जलाते हुए अपने पापा से एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, पापा मैं कितना भी चाहूं अगर रहोगे तो आप मेरे पापा ही, इस बात को मैं किसी तरह भी कभी भी नहीं बदल सकता। आरंभ अपने पापा से इस समय इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रहा हो। जयंत बत्रा आरंभ की इस बात पर कुछ और अपसेट होते हुए उससे पूछते हैं, चलो मेरी छोड़ो, क्या तुमने अपने दादाजी से शादी की परमिशन ली थी? उन्होंने क्या कहा तुमसे? आरंभ हवा में धुआं उड़ाते हुए हल्के से मुस्कुरा देता है, फिर अपने पापा की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैंने दादाजी को इस बारे में बताया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये डिसीजन मुझे खुद अपने आप लेना चाहिए, मैं 27 साल का हो चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं इंतजार कर सकता जिसके जिंदा होने या ना होने के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। ये बोलते हुए आरंभ अपनी जगह से उठकर अपने पापा के सामने बैठते हुए जयंत बत्रा से कहता, पापा आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि तान्या जिंदा नहीं है? वो जिंदा नहीं है तो क्या मुझे भी जिंदगी भर कुवारा रहना पड़ेगा? आप भी यही चाहते हो क्या? आरंभ की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो जयंत बत्रा खामोश हो जाते। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अपने बेटे आरंभ के सवाल का क्या जवाब दें। फिर निराशा भरी नजरों से आरंभ को देखते हुए वो कहते, शादी कर सकते थे, चलो ये बात सही है, मगर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे करने से पहले मुझसे बात करने की जरूरत थी? कुछ भी हो बेटा, मैं हूं तो तुम्हारा बाप ही ना।
जयंत बत्रा को अभी भी लग रहा था कि आरंभ ने शादी करके एक बहुत बड़ी गलती की है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है पापा, मैंने आपसे इसके बारे में बात करने की कई बार कोशिश की थी, मगर उस समय दीपा आंटी के साथ आप अपने प्यार के खेल में बुरी तरह से फंसे हुए थे। आपके पास इतना समय ही नहीं था कि आप अपने बेटे की किसी बात को सीरियसली लेते। अपने पापा का मजाक बनाते हुए आरंभ उनकी बात का जवाब देता है। आरंभ, मुझे इस समय सीरियसली ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुमने ऐसा कहा था तो मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। बेहतर होगा कि तुम दीपा को इन सब से बाहर रखो। जयंत बत्रा अपने बेटे आरंभ बत्रा की बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहते, अगर आपने मेरी शादी को सीरियसली लिया होता तो आपके सामने मल्होत्रा परिवार की लड़की और मल्होत्रा परिवार के अलावा मेरी शादी के लिए कुछ और नहीं होता। आपके पास हर बात पर यही जवाब होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मल्होत्रा परिवार की लड़की से ही शादी करनी होगी। आरंभ अपनी सिगरेट को एशट्रे में बुझाते हुए अपने पापा से कहता है। आरंभ की इस बात पर थोड़ा अपसेट होते हुए जयंत बत्रा आरंभ से कहते हैं, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही है आरंभ, कि तुम्हें मल्होत्रा परिवार से इतनी चिढ़ क्यों है, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मल्होत्रा परिवार के साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं और उनके साथ हमारे फैमिली रिलेशन बनने के बाद हम दोनों फैमिली क्या से क्या नहीं कर सकती। मगर पापा, मैंने अकेले इस कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आप इस बात से खुश नहीं हो क्या? आपको आगे बढ़ने के लिए एक बैसाखी की जरूरत क्यों है? आरंभ भी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए जयंत बत्रा से बोला। जयंत को आरंभ का अपने ऊपर किया हुआ ये कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो पलट कर आरंभ से कहता है, तुम्हें नहीं लगता आरंभ कि बेहतर यही होगा कि तुम इस बारे में जाकर अपने दादाजी से बात करो? उन्होंने ही मल्होत्रा फैमिली को ये वचन दिया था कि आने वाले समय में बत्रा परिवार का बेटा मल्होत्रा परिवार की बेटी से ही शादी करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी मल्होत्रा परिवार के नाम करनी पड़ेगी। आरंभ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी होती है कि नहीं और किससे होती है, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि इतने सालों की बनी हुई हमारे इस फॉर्च्यून पर किसी तरह की आंच ना आए। अपने पापा जयंत बत्रा की बात सुनकर आरंभ की आंखों से जैसे अंगारे निकलने लगते। वो खींचते हुए अपने पापा जयंत बत्रा से कहता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये वादा करते समय आप लोग क्या सोच रहे थे। आप लोगों का दिमाग घास खाने गया था क्या? जब मैं 5 साल का था तभी आपने सोच लिया कि मैं उस पैदा हुई लड़की के साथ प्यार का खेल खेलना शुरू कर दूंगा? आपने एक बार भी रियलाइज किया कि मुझे ये सब सोचकर कैसा फील होता होगा? जयंत बत्रा की इस समय बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपने बेटे आरंभ बत्रा के गुस्से पर किसी तरह से रिएक्ट करे। वो अपना सिर नीचे करके बिना आरंभ के गुस्से से लाल हुई आंखों की तरफ देखे आरंभ से कहते हैं, आरंभ, क्या तुम सच में नहीं जानते थे कि तुम्हारे दादाजी ने ये वादा किस लिए किया था? मल्होत्रा परिवार के बड़ों ने हमारे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया था, उसके बदले में तुम्हारे दादाजी ने उनसे ये वादा किया था। आप किसी के उपकार का बदला चुका रहे हो मगर मेरी खुशियां दांव पर लगाकर, ये बात मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आती। ये उपकार के बदले दो जिंदगियां तबाह करना, ये बात तो मुझे सरासर बेवकूफी लगती है। यहाँ जयंत बत्रा एक लंबी सांस लेते हुए पुराने दिनों को याद करते हुए खो जाते। अपनी यादें ताजा करते हुए वो आरंभ से कहते, आरंभ, तुम्हारे पैदा होने पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। तान्या के जन्म के 5 साल बाद जब रक्षा दोबारा माँ बनने वाली थी, कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स को उसका यूटेरस निकालना पड़ा। अब वो किसी को जन्म देने के लायक नहीं रह गई थी। मल्होत्रा परिवार में सिर्फ 2 बेटियां थी। कुल के दीपक का उनका सपना टूट चुका था। मल्होत्रा परिवार का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में था। उस समय बच्चों की आपस में शादी का डिसीजन लिया गया था जिससे सारी जमीन जायदाद किसी बाहर वाले के हाथ में ना चली जाए। मेरे पिताजी और जयदेव के पिताजी 2 जिस्म एक जान हुआ करते थे, इसीलिए दोनों परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने यह डिसीजन लिया था कि जो भी कुछ है इन दोनों परिवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वचन तोड़ने वाले को इसकी सजा अपनी आधी दौलत दूसरे के हवाले करके भुगतनी होगी। आरंभ ये सुनकर बहुत चक्का रह गया। एपिसोड 64, यस आई लव हर।
अपने पिता जयंत बत्रा से पूरी बात जानने के बाद आरम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी आंखों से जैसे गुस्से की चिंगारियां निकलने लगती हैं। आरम गुस्से से टेबल पर रखे हुए एशट्रे पर अपना हाथ मारता है। इससे वो एशट्रे हवा में उछल जाता है और उसकी सारी की सारी राख उड़कर सामने खड़े जयंत बत्रा के चेहरे और कपड़ों पर फैल जाती है। आरम चिल्लाते हुए जयंत बत्रा से कहता है, फायदा, फायदे का सौदा, इसका मतलब आप लोगों के लिए मेरी तान्या की जिंदगी और हमारी शादी कुछ नहीं बल्कि उस वक्त अपनी अपनी जायदाद को बचाने का और बढ़ाने का एक तरीका ही था। हम आपके बच्चे नहीं, आपके बिजनेस के शतरंज के बिसात पर रखे दो मोहरे थे जिन्हें आप जिस तरह चाहे वैसे घुमाना चाहते थे। क्यों, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मिस्टर जयंत बत्रा? गुस्से में इस समय आरंभ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जयंत बत्रा को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका बेटा आरंभ बत्रा बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का रहा है, इसलिए उसकी इजाजत के बगैर तय की गई उसकी ये शादी उसके दिमाग में किसी बुरे ख्वाब की तरह हावी हो चुकी थी। मगर जयंत बत्रा ने ये भी नहीं सोचा था कि आरंभ इतनी जल्दी में आकर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन इस तरह ले लेगा। जयंत बत्रा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए आरंभ से कहता, ठीक है यार, अब हम इस बारे में कुछ भी बात नहीं करते। चलो हम उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिससे तुमने शादी की है। कौन है वो? जयंत को जैसे ही अपने किसी जानकार से ये पता चला था कि उनके पीछे आरंभ ने शादी कर ली है, उन्होंने तुरंत अपने वापस आने का प्रोग्राम बना लिया था, इसलिए वो अनन्या के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हालांकि आरंभ बत्रा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ये जानने के बाद कि जिस लड़की से उसने शादी की है उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये जानकर उसके पिता कैसे रिएक्ट करेंगे। वो अपनी सिगरेट दोबारा जलाते हुए जयंत बत्रा से कहता, आपकी नजर में इस मामले में भी मैंने आपको दोबारा से निराश किया है। मेरी पत्नी अनन्या किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी नहीं बल्कि एक बहुत ही मासूम और सीधी सादी लड़की है। उसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ परेशानियां ही सही। उसके बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि पीके आहूजा की नातिन है। पीके आहूजा का नाम सुनते ही जयंत का पारा हाई हो गया। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि आरंभ ने किसी ऐसी लड़की से शादी की है जो एकदम मामूली परिवार से है। ऊपर से ये बात तो उसके जहन से उतर ही नहीं सकती थी कि आरंभ ने किसी और से नहीं बल्कि आहूजा परिवार की लड़की से शादी की है। जयंत इस बात को किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं कर सकता था। आरंभ को तो जैसे पहले ही ये बात पता थी। ये देखते ही कि उसके पापा जयंत बत्रा का गुस्सा किसी बम की तरह बर्स्ट हो गया है, वो अपने पिता जयंत बत्रा की बातों को अवॉइड करते हुए आगे कहता, इतना गुस्सा होने से पहले जरा ध्यान से मेरी बात सुन लो। उससे शादी करने के पीछे मेरा एक कारण है। वो कारण ये नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि पीके आहूजा की सारी रेपुटेशन और इज्जत मिट्टी में मिल जाए। वो खानदान किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहे। अब जब उनके शेयर्स इतने नीचे आ चुके हैं, उनके दिवालिया होने में ज्यादा देर नहीं है। अपने बेटे आरंभ बत्रा की बात सुनने के बाद जयंत बत्रा का गुस्सा थोड़ा सा काबू में आता है। वो नाराज की भरी आवाज में आरंभ से कहता है, वो सब तो ठीक है अगर तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। वो पीके आहूजा बहुत ही चालाक और शातिर लोमड़ी की तरह है। अगर तुम उसे सजा देना ही चाहते थे तो उसके लिए उसके परिवार की लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी। जयंत की बात सुनकर आरंभ मुस्कुराते हुए कहता, अगर मैंने ऐसा ना करा होता तो मुझे डर था कि पीके आहूजा का दयावान होना, लोगों की सहायता करने का ओढ़ा हुआ लबादा कभी दुनिया के सामने नहीं उतर पाता। इस सीधा सच्चा दिखने वाला इंसान वास्तव में पैसे के लिए अपने घर की लड़की को भी बेच सकता है। ये बात दुनिया के सामने आनी बेहद जरूरी थी। चलो आरंभ, ये बात भी मैं मान लेता हूँ कि तुमने ये सब पीके आहूजा की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए किया। मगर अब जब तुम उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ला चुके हो और वो दिवालिया होने की कगार पर है, तो तुम्हें पीके आहूजा की इस लड़की को जल्द से जल्द तलाक दे देना चाहिए। फिर तुमने इस लड़की से किसी मतलब के कारण ही तो शादी की थी। मैं चाहता हूँ कि तुम डिवोर्स के प्रोसीजर को जितनी जल्दी हो सके कम्प्लीट कर लो। जयंत अपने बेटे आरंभ के कंधे पर हाथ रखकर उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है। वही सिगरेट का कश लेते हुए आरंभ लॉन की तरफ बनी हुई खिड़की के पास खड़े होकर अपने पीछे खड़े जयंत को जवाब देते हुए कहता है, शुरू में मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मगर अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस लड़की को तलाक नहीं दूंगा।
मुझे ये दिल से लग रहा है कि ये लड़की वास्तव में बहुत ही मासूम और दिल की साफ है। इससे बेहतर पत्नी शायद मुझे नहीं मिल सकती। पापा, एक समय था जब मैंने आपकी और दीपा आंटी की मदद की थी। अब आपका वक्त है, आपको मेरी और अनन्या की मदद करनी होगी। जयन बत्रा तुरंत ही बोल पड़े, मदद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता आरंभ, तुम्हें इस लड़की को तुरंत डिवोर्स देना पड़ेगा। तुम दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो सिवाय उस अहूजा परिवार की गिरी हुई लड़की से। जयंत ने गुस्से से अपने बेटे आरंभ बत्रा की बात को काटते हुए कहा। अपने पिता के गुस्से को अवॉइड करते हुए आरंभ बत्रा जयंत बत्रा से कहता है, पापा मैंने अहूजा खानदान से अपना बदला ले लिया है। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। अब जितना चाहे मुझसे जोर जबरदस्ती कर ले, मैं अनन्या को तलाक नहीं दूंगा। आरंभ की आवाज में इस समय कुछ ऐसा था जिसे सुनकर जयंत बत्रा जैसा इंसान एक सेकंड को हिल जाता है। वो अपनी आवाज को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए आरंभ से पूछता है, क्यों, तुम्हें क्या इस लड़की से प्यार हो गया है? सोचता था कि मेरा बेटा आरंभ बहुत ही स्मार्ट है, प्रैक्टिकल और रैशनल लड़का है। वो जिंदगी का कोई भी डिसीजन दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं ले सकता। जयंत बत्रा की बात सुनकर आरंभ पलट कर अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बड़ी ईमानदारी से कहता है, हो सकता है कि मुझे उससे प्यार होने लगा है। आरंभ बत्रा के मुंह से ये बात सुनते ही जयंत आरंभ के गाल पर एक तमाचा मारते हुए चिल्लाता है, मेरे साथ इस तरह का बेहुदा मजाक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि उस डिसीजन पर बत्रा फैमिली का फ्यूचर टिका हुआ है। तुम्हारा अपनी जिंदगी में अब सीरियस होना बेहद जरूरी है। जयंत बत्रा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस जिद्दी और बददिमाग बेटे को जन्म कैसे दिया। मैं जिंदगी को लेकर हमेशा ही सीरियस रहा हूँ, मुझे इस बारे में ज्यादा लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। खैर, काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि हम दोनों को कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि आपने आने के बाद डिनर कर लिया होगा। ये कहते हुए आरंभ लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। जयंत, जो इस समय किसी तरह से भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, आरंभ के पीछे आवाज देते हुए कहता है, ठीक है आरंभ, मेरे ख्याल से हमें इस मामले में तुम्हारे दादाजी से बात करनी चाहिए। अपनी आधी प्रॉपर्टी किसी और को सिर्फ इसीलिए देना कि तुम किसी दो कौड़ी की लड़की से प्यार करने लगे हो, कोई समझदारी की बात नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो आप कल सुबह दादाजी को फोन करके मेरी तरफ से नमस्कार बोल दीजिएगा। ये बोलकर मुस्कुराते हुए आरंभ बत्रा कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उसके पिता इतनी आसानी से अनन्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर वो भी किसी भी हाल में अनन्या को अपनी जिंदगी से बाहर जाने नहीं दे सकता था। उसे अनन्या के खट्टे मीठे साथ की जैसे आदत पड़ चुकी थी। उसे ये सोचकर भी डर लगता था कि उससे तलाक लेने के बाद अनन्या अगर किसी और के साथ कोई रिश्ता रखती है तो गुस्से में आकर वो उस इंसान का खून ही ना कर दे। ऊपर बेडरूम में अनन्या तकिए को अपने सीने से लगाए सोफे पर टांगे मोड़कर बैठी हुई थी। उसे ये सोचकर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि पता नहीं नीचे लिविंग रूम में इस समय क्या हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आरंभ जैसा गर्म मिजाज इंसान अपने पिता से किस तरह से माफी मांगेगा, वो उनको अपनी सारी बातें आराम से कैसे समझा पाएगा। अनन्या ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि शादी के बाद अपने ससुराल में उसका स्वागत बड़ों के द्वारा इस तरह से किया जाएगा। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके सीने में लगे तकिए को भिगो रहे थे। अनन्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी अचानक बेडरूम का दरवाजा खोलकर आरंभ अंदर आ जाता है। उसे देखते ही अनन्या सोफे से तेजी से उठकर खड़े होती हुई आरंभ के कंधे पकड़कर उससे पूछती है, आरंभ क्या पापा अभी भी नाराज है? अनन्या को नीचे क्या हुआ इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती थी कि उसके कारण बाप बेटे के बीच का रिश्ता खराब ना हो। हाँ, बस इस एक शब्द में अनन्या की बात का जवाब देकर आरंभ अनन्या के हाथ अपने कंधे से हटाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। आरंभ की इस हरकत को देखकर अनन्या एक सेकंड के लिए कांप जाती है। वो आरंभ को पीछे से टोकते हुए फिर पूछती है, तुमने अपने पिता को सब कुछ समझाने की कोशिश नहीं की क्या? अनन्या को पता नहीं क्यों लग रहा था कि आरंभ और उसके पिता के बीच की नाराजगी का कारण वो है। आरंभ उसे अगर जबरदस्ती अपनी जिंदगी में ना लेकर आया होता तो आज ये सिचुएशन क्रिएट ना होती। पापा इस समय कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। आरंभ अनन्या की तरफ पलटकर
उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है। वो इस समय तलाक की बात सुनकर आए अनन्या के चेहरे के किसी भी एक्सप्रेशन को मिस नहीं करना चाह रहा था। ओह, तलाक की बात सुनकर अनन्या की आंखें कुछ बुझ सी जाती हैं। अनन्या को इस तरह से रिएक्ट करते देख आरंभ मन ही मन में ये सोचता है, शायद अब अनन्या भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहती। क्यों, तुम तो मुझे हमेशा से तलाक देना चाहती थी, अब जब मेरे पापा मुझ पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं तो तुम्हें तो इस बात की बहुत ही खुशी हो रही होगी। अपने दिल की बात को बगैर चेहरे पे लाए आरंभ अनन्या से बड़े रूखेपन से ये बात कहता है। कोई जवाब ना मिलने पर आरंभ अनन्या को अपने दोनों हाथों में जकड़ते हुए अपना चेहरा उसके पास लाते हुए पूछता है, अनन्या मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? अनन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे उठाकर एक गंदे पानी के तालाब में फेंक दिया हो और वो धीरे धीरे तालाब में डूबती चली जा रही हो। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अब अगर तुम मुझसे तलाक ले लेते हो तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी आंखों की उदासी को छुपाते हुए अनन्या अपनी नजरें नीचे करके आरंभ की बात का जवाब देते हुए कहती है, तो तुम मुझे इसलिए तलाक देना चाह रही हो कि तुम अपने पहले आशिक के साथ बिस्तर गर्म कर सको, अब उस खेल में शायद तुम्हें बहुत मजा आएगा। अनन्या का जवाब सुनकर आरंभ की आवाज और तेज हो जाती। आरंभ की इस बात को अवॉइड करते हुए अनन्या जमीन की तरफ ही देखते हुए आरंभ को अपने आंसू छुपाते हुए जवाब देती, नहीं, अब अगर हमारा तलाक हो भी जाता है तो भी मैं समर के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। आरंभ, पहली बात हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लवर्स नहीं, इसलिए फ्यूचर में ऐसा कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। क्यों, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारा पुराना आशिक तुम्हें किसी सेकेंड हैंड सामान की तरह यूज करके फिर रिजेक्ट कर देगा? दरअसल तुम्हें अपने हाल पर शर्म आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि अब तुम उसके लायक नहीं रह गई हो। आरंभ अनन्या को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींचते हुए उसके कांपते हुए होठों पर अपने नर्म होठ रख देता है। डियर लिस्ट,